अर्श आजम पे गए शाह जमन आज की रात, अर्श आजम पे गए शाह जमन आज की रात, काबिले दीद है फितरत की भवन आज की रात। आज बरसेगा दो आलम पर करम का बादल, आज बरसेगा दो आलम पर करम का बादल, दूर हो जाएंगे उम्मत के गम आज की रात। लेके जिब्रील अमीन हुसन का पैगाम आए, देखकर इसका बेसख्तपन आज की रात। कोई दीवार तेरी राह में हायल ना हुई, कोई दीवार तेरी राह में हायल ना हुई, कोई मंजिल नजर आई ना कठिन आज की रात। ये भी है साहिबे मेराज की मदद का सिला, ये भी है साहिबे मेराज की मदद का सिला, मुझको हासिल हुई मेराज सुखन आज की रात। चमने दाहर का पत्ता ना हिलेगा आजम, चमने दाहर का पत्ता ना हिलेगा आजम, जब तक आ जाए ना वो जान चमन आज की रात। काबिले एहतराम साहिब सदर मौजिस आमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे आप हजरात के सामने जिस उनवान पर लाकुशाही करने की सआदत हासिल हो रही है वो है खार की आदत अमूर की हकीकत। नजराते ग्रामी कदर खार की आदत ऐसे खिलाफ मामूल अफवाल वाक़ियात होते हैं जो आदत जारिया के बरक्स हों और असबाब इल्ल के आता व इदराक में ना आ सकें। हजरात ग्रामी कदर इंसानी ज़िंदगी में दो तरह के वाक़ियात वकू पजीर होते हैं, एक वो अफवाल जो मामूल के मुताबिक यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सर अंजाम होते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन अफवाल की अनगिनत मिसालें हैं, जैसे किसी शख्स का बीमारी की वजह से फौत हो जाना। दूसरे वो अफवाल जो मामूल के खिलाफ यानी खिलाफ मामूल अफवाल वाक़ियात होते हैं, उनका रनुमा होना और उनकी कामिल तौजीह किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं होती, उन खार की आदत अफवाल कहा जाता है। हज़रात ग्रामी कदर ये खिलाफ मामूल अफवाल मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ शक्लों में सादर होते हैं। इन खिलाफ मामूल अफवाल वाक़ियात को चार मुख्तलिफ अक्सा में तकसीम किया गया है, मौजा, इरहास, करामत, इस्तिदराज। सबसे पहले मौजे का तज़किरा है। मौजा किसे कहते हैं? जब किसी नबी या रसूल को खिल्लत नबूवत रिसाले से सरफराज किया जाता है तो कुफार व मुशरिकीन दावा व नबूवत की सदाकत के तौर पर उससे दलील तलब करते हैं। इस पर कुदरत खुदाबंदी से जो खार की आदत उस नबी या रसूल के दस्त हक परस्त से साबित होते हैं उसे मौजा कहते हैं। जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहाड़ से ऊँट निकल निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से गदर जातंदे कोड़ी और बास के मरीज का सेहत याब होना, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद के दो टुकड़े होना, सूर्य का वक्त असर पर लौट कर आना, कंकरियों का कलमा पढ़ना, जानवरों का सईदा रेल हो जाना, ये तमाम मौजाते अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की मिसालें हैं। दूसरा इरहाज, वो खिलाफ मामूल वाक़ियात या जायबात जिनका ज़हूर किस नबी की विलादत बासारत के वक्त रोनुमा होता है उन्हें इरहाज कहलाते हैं। उन वाक़ियात का रोनुमा होना इस अमर पर दलालत करता है कि ये पैदाइश गैर मामूली पैदाइश है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से पहले देखने वालों ने देखा कि आसमान से सितारे साहिबान की तरह जमीन पर उतर आए हैं। सईदे कायनात हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा इनका फरमान है कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सरजमीन मक्का से हजारों मील दूरी के फासले पर मुल्क शाम के महलात देखे और मैंने अपने इर्द गिर्द खुशबू महसूस की, और ये कि ये तमाम खार की आदत वाक़ियात इरहास कहलाते हैं। करामत हजरात ग्रामी कदर करामत उन खार के अफवाल वाक़ियात को कहते हैं जो मोमिनीन सालिहीन औलिया और वली की दस्तयाब परा से साबित होते हैं। तारीख इस्लाम औलिया सूफिया की करामा से भरी पड़ी है। मसलन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक साहबी हजरत आसिफ बरकिया का पलक झपकने से कबल नलका सबा का तख्त आपकी खिदमत में पेश कर देना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरान खुतबा मिंबर पर ही जंग का मुशाहिदा करना और इस्लाम के सिपहसालार को अस्करी हदायात देना, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके हाथों पर लाखों अनु का स्नान कबूल करना उनकी करामात जलीला में से है। चौथा इस्तिदराज हजरात ग्रामी कदर ये वो खिलाफ मामूल वाले वाक़ियात होते हैं जो किसी काफिर मुशरिक फासिक फाजिर और सायर जादूगर के हाथ से सादिर होते हैं।
मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सामरी जादूगर ने सोने का बछड़ा बनाकर उसके मुंह से आवाज़ पैदा कर ली तो बनी इसराइल के लोगों ने उसकी परस्तिश शुरू कर दी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दावे नबूवत को चैलेंज करते हुए फिरौन के दरबार में जादूगरों ने अपनी लाठें ज़मीन पर फेंकी तो वह शाम बन गई। इस कबील के तमाम वाक़यात इस्तदराज कहलाते हैं। हकीकत मौजा हज़रात ग्रामी मरतबा जहाँ अकल आजिज आ जाती है वहाँ से मौजे की सरहद शुरू होती है। मौजे रब्बी कायनात की कुदरत और जलालत का इजहार होता है। ये वो खार के आदत वाक़यात होते हैं जो अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबियों रसूलों से सादर होते हैं। उनका बज़ाहिर ना कोई सबब नज़र आता है और ना कोई इल्लत नज़र आती है। ये अकल के दायरे अदराक व शऊर में नहीं आते, लेकिन जब इंसान अपनी आँख से उनका ज़ाहूर होते देखता है तो सरे बसजूद करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं रहता और वो कह उठता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सादिर हुआ है, इसलिए ये हक है। दातिक्रामी कदर वो लोग जो मौजात व करामात के रद्द कबूल का मियार अपनी सोच अकल और तजर्बे और मुताला करार देते हैं ना सिर्फ बहुत बड़े एतकादी मुकालदे का शिकार हो जाते हैं बल्कि इनके तकब्बुर में मुबतला हो जाते हैं। अगर लकड़ी आग के अलाव में गिरकर जला ना करे तो अकल धंग रह जाए कि इंसान की रहनुमाई ना करेगी कि आग जलाने वाली शय थी। इसलिए जो बात मुशाहदे व तजर्बे के खिलाफ हो अकल उसे हरगिज़ हरगिज़ तस्लीम नहीं करती। मसलन अल्लाह के बरगुजीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़े और आग गुलजार बन जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिज़्निल्लाह कहें और कब्र से मुर्दा उठ खड़ा हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज अपनी आँखों से लगाएं तो उनकी बेनाई लौट आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ से ऊँटनी को बरामद कर लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दरबारी पलक झपकने से कबल मलक सबा का तख्त आपकी खिदमत में पेश कर दे या फिर अंगुष्ठ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो चांद और टुकड़े हो जाए। सूरज का वक्त असर पर लौट कर आना, जानवरों का सजदा करना, ये तमाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसम अतहर के लम्बे से खजूर का मरा हुआ दरख्त दोबारा जिंदा हो जाए तो अकल अपने दामन शऊर को तार तार नहीं करेगी तो क्या करेगी। वराए अकल सरजाद होने वाले इन्हीं मौजाद वाक़ात को मौजा कहते हैं तो अकल इन वाक़ात को समझने से माजूर है। अंदाज़े बयां गच्चा मेरा शौक़ नहीं है शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन आशार पर करता हूँ। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।